डायमंड कच्छ डायमंड, आयरन कच्छ आयरन, लोहा लोहे को काटता है। आज मैं आपके लिए क्या लाया, ये देखो, दो शब्द हैं, बचकानापन लड़कपन। बचकानापन, बच्चों जैसी हरकतें करना, बच्चों जैसी हरकतें करना, बड़े होकर भी, बुढ़े या जवान होकर भी, बचपने जैसी, बच्चों जैसी हरकत करना बचकानापन कहलाता है। अंग्रेजी होती है चाइल्डिशनेस। गिव अप दिस चाइल्डिशनेस, अरे बचकानापन छोड़ दो। गिव अप योर चाइल्डिशनेस, बचकानापन अपना छोड़ दो, अपना बचकानापन अब छोड़ दो। देखें लड़कपन, लड़कपन की अंग्रेजी होती है बॉयहुड। लड़कपन, लड़कपन बचपन को कहते हैं, जब हम लड़के थे यानी कम उम्र के थे। तुम्हारा लड़कपन अभी तक गया नहीं है। योर चाइल्डिशनेस, लड़कपन, बचकानापन, उससे मतलब है, यहां पर बचकानापन समझे आप, तुम्हारा बचकानापन अभी तक गया नहीं है। योर चाइल्डिशनेस इज नॉट येट गॉन, तुम्हारा बचकानापन अभी गया नहीं है। माई सन्स बॉयहुड इज नॉट येट गॉन, लड़कपन, मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया है लेकिन उसका लड़कपन अभी तक नहीं गया, लड़कों जैसी हरकतें हैं। वह लड़कपन में बहुत शैतान था, वह जब लड़का था, अब तो बहुत बड़ा है, जब वो लड़का था या मैं लड़का था या वो लड़का था, बड़ा शैतान था। He was naughty in his boyhood, I was naughty in my boyhood, मैं बहुत शैतान था अपने लड़कपन में, वो बहुत शैतान था अपने लड़कपन में। He was very naughty, बहुत शैतान था in his boyhood, अपने बचपन में, यानी जब वो लड़का था लड़कपन में। वह लड़कपन से ही चालाक था, लड़कपन से ही, देखें ध्यान से देखें, फ्रॉम हिज वेरी बॉयहुड, फ्रॉम हिज वेरी बॉयहुड, लड़कपन से ही, फ्रॉम हिज वेरी बॉयहुड, ही वॉज क्लेवर, वो चालाक था बचपन से ही। फ्रॉम हिज वेरी बॉयहुड, लड़कपन से ही वो बहुत चालाक था। लड़कपन की यादें अब भी मेरे मन में ताजा हैं। लड़कपन की यादें, ऐसा कौन सा आदमी है जो लड़कपन को भूल जाएगा, कौन सा, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जब वो लड़का था उस लड़कपन को भूल जाए, कोई नहीं भूल सकता, बल्कि हमेशा ताजा रहती है वो, कि हम देखो जब हम लड़के थे तो ये खेलते थे, वो खेलते थे, फिल्में देखने जाया करते थे, ये बातें वो बातें सब। Nobody can forget, यहां पर टी आएगा, Nobody can forget his boyhood, अपने लड़कपन की याद को कोई नहीं भूल सकता, अपने लड़कपन को कोई नहीं भूल सकता। Nobody can forget his boyhood, अब देखें लड़कपन की यादें अब भी मेरे मन में ताजा है, इसकी अंग्रेजी आप अब देखें। Memories of my boyhood, मेरे दिमाग में अब भी लड़कपन की यादें बिल्कुल ताजा, तरोताजा हैं। Memories of my boyhood are still fresh in my mind, ऐसा लगता है, it looks to be a thing of recent past, कल की सी बात लगती है, इसकी अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, it looks to be a thing ऑफ रिसेंट पास्ट, ये बात तो बिल्कुल कल की सी लगती है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।